हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट इस वीक के। और मैंने ये करंट अफेयर्स कलेक्ट की है न्यूज़पेपर से, असम ट्रिब्यून से, और मैंने दूसरा जो भी सोर्स यूज किया है, अगर न्यूज़पेपर पढ़ के मुझे कुछ समझ में नहीं आया हो कोई भी टॉपिक या कोई भी आर्टिकल, तो मैंने थोड़ी बहुत हेल्प ली है इंटरनेट से और कुछ दूसरे सोर्सेस से। और मैंने जहाँ भी ये न्यूज़पेपर के अलावा जो भी सोर्सेस यूज की है, मैंने सोर्सेस का नाम मेंशन किया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है अबाउट ग्राफ्टेड असम लेमन। ये एक्चुअली वर्ल्ड का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्लांटेशन है ग्राफ्टेड असम लेमन का। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया है एक प्लेस में जिसका नाम है काहेकुची, और ये प्लेस गुवाहाटी के आउटस्कर्ट्स में है। और सिंस ये वर्ल्ड फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्लांटेशन ऑफ ग्राफ्टेड असम लेमन है, तो इसके लिए जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन किया गया है बाय असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। एज वी ऑल नो कि जीआई टैग का एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, सो उस प्रोसेस में ये जो एप्लीकेशन किया गया है बाय असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उस प्रोसेस में ये फाइनल स्टेज में है। आइए अभी समझते हैं व्हाट डू वी मीन बाय ग्राफ्टिंग टेक्निक। ग्राफ्टिंग टेक्निक एक्चुअली एक टेक्निक है जिससे कि दो प्लांट्स ज्वाइन किए जाते हैं वेजिटेटिवली। सो यूजुअली क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि दो प्लांट्स ज्वाइन होते हैं और एक हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस होता है, लेकिन ग्राफ्टिंग टेक्निक में हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस नहीं होता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, प्लांट ए और प्लांट बी सपोज, सो प्लांट ए का जो रूट पार्ट है या बॉटम पोर्शन है उसको लिया जाता है और उसे हम रूट स्टॉक कहते हैं, और जो प्लांट बी होता है उसका शूट पार्ट लेते हैं और उसे स्पियन बोलते हैं। सो वो दो पार्ट्स को वेजिटेटिवली ज्वाइन किया जाता है इन ग्राफ्टिंग टेक्निक। सो जो ग्राफ्टेड असम लेमन है उसमें रूट स्टॉक लिया गया है राफ लेमन को। मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पिक्चर यहाँ पे डाला हुआ है, और ये है रूट स्टॉक राफ लेमन, और स्कियन पार्ट जो शूट पार्ट है वो असम लेमन, जिसे हम काजी नेमू भी बोलते हैं। ये लेमन एक्चुअली बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है, असम में और वेस्ट बंगाल में भी पाया जाता है, और इंडिया के बाकी पार्ट्स में ये लेमन बहुत कम दिखता है और यूजुअली नहीं पाया जाता है। इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में काजी नेमू भी बोलते हैं। सो दिस इज असम लेमन, और ये जो ग्राफ्टेड असम लेमन है इसमें इसको एस क्यून लिया गया है और राफ लेमन को एस रूट स्टॉक लिया गया है। सो ये था पहला करंट अफेयर लास्ट वीक का। अभी अबाउट 27 दिसंबर एक्चुअली असम के एक रिनोन्ड पर्सनैलिटी प्रतिमा बरुआ पांडे, उनका 17th डेथ एनिवर्सरी हो चुका है ऑन 27th दिसंबर। उन्हें हम लोग ग्वालपोरिया लोकगीत, जो ग्वालपारा के जो फोकलोर है, फोकलोर म्यूजिक है, उसके लिए हम जानते हैं, और वो पद्मश्री रिसिपिएंट अवार्ड का रिसिपिएंट भी रह चुकी है। नेक्स्ट इज अबाउट डेजिंग फेस्टिवल। ये फेस्टिवल इस बार का 4th एडिशन फेस्टिवल हो रहा है, और ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है 27 दिसंबर को 2019 में, और ये एक इस फेस्टिवल का टोटल जो स्पैन है वो 12 डेज का है, और ये भी हो रहा है चिरांग डिस्ट्रिक्ट में ऑन द बैंक्स ऑफ आई रिवर एट खगराबारी। और ये फेस्टिवल पोर्ट्रे करती है एकता और जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है वहां रहने वाले डिफरेंट कम्युनिटीज, उस लोकेलिटी में रहने वाले डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में जो भी यूनिटी और हार्मोनियस रिलेशनशिप है उसे पोर्ट्रे करती है ये फेस्टिवल। नेक्स्ट इज अबाउट अमूर फाल्कन। मैंने एक महीने पहले एक्चुअली करंट अफेयर्स में मैंने इंक्लूड किया था, तब ये जो अमूर फाल्कन था, रेडियो टैग अमूर फाल्कन, इसे मणिपुर से भेजा गया था टू साउथ अफ्रीका। तो अभी न्यूज में आया है कि वो फाल्कन साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है, और वो जो रेडियो टैग्ड अमूर फाल्कन का नाम, लोकल नेम शिलोन रखा गया था। और रेडियो डिगिंग एक्चुअली एक प्रोसेस होता है जिसमें एक छोटा सा ट्रांसमीटर अटैच किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के बॉडी में, और वो ऑब्जेक्ट यूजुअली बर्ड या एनिमल होता है, और वो किया जाता है ताकि हम वो एनिमल जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करे तो हमें उस लोकेशन के बारे में पता चले। एक्चुअली इन ऑर्डर टू ट्रैक इट्स लोकेशन, रेडियो टैगिंग इज डन। सो ये है पूरा प्रोसेस। और यही मैं एक फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ कि फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड
हम नागालैंड को जानते हैं, नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं कुछ अवार्ड्स के बारे में। एक फिल्म है बोर्नोदी भोटियाई और इस फिल्म का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है अनुपम कौशिक और इस फिल्म को सिलेक्ट किया गया है एज बेस्ट फिल्म फॉर द फोर्थ एडिशन ऑफ द सेलाधर बरुआ फिल्म अवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट 2019। नेक्स्ट अवार्ड जो है वो है कृषि कर्मन अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन ओवरऑल फूड प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2017-18 और इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है मणिपुर को। नेक्स्ट इज अबाउट अभिनंदन स्कीम। लास्ट वीक न्यूज़पेपर में इस स्कीम के बारे में बोला गया है। ये स्कीम एक्चुअली इसका एम ये है कि जो स्टूडेंट्स या जो यूथ ऑफ द स्टेट एजुकेशनल लोन अप्लाई करते हैं उनके लिए एक फाइनेंशियल रिलीफ देने के लिए, उनको एक फाइनेंशियल रिलीफ देने के लिए ये स्कीम ट्राई करती है। तो बेनिफिट क्या है इस स्कीम का, वन टाइम सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा 50,000 रुपीज का और द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मतलब इनमें से जो भी कम अमाउंट का होगा उसका वन टाइम सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एप्लीकेंट्स होंगे दे शुड बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट इज जो एजुकेशन लोन लिया जाएगा वो होना होना पड़ेगा फ्रॉम एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और फ्रॉम एनी रीजनल रूरल बैंक विद इन द स्टेट। और इस स्कीम के अंदर अप्लाई करने के लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है। जनरली जो स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं या जो ऐसे स्कीम्स होते हैं उसमें एक इनकम क्राइटेरिया, एक बार सेट किया जाता है कि इससे पर एनम सपोज इट शुड नॉट बी लेस देन दिस और इट शुड नॉट बी मोर देन दैट, लेकिन इस स्कीम के अंदर ऐसा कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। और जो एजुकेशनल लोन्स होंगे उनमें से भी दो टाइप के लोन एलिजिबल होंगे फॉर दिस स्कीम। पहला तो लोन्स जो सैंक्शन हुआ है बिफोर 31st March 2019 और अमाउंट 1 lakh और मोर। और नेक्स्ट जो है लोन्स जो कि सैंक्शन हुआ है फ्रॉम 1st April 2019 विद डिसबर्समेंट ऑफ 25% ऑफ सैंक्शन लोन अमाउंट। सो ये दो टाइप्स के जो लोन सैंक्शन किए गए हैं वही इस स्कीम के अंदर आएंगे। सो दिस विल बी एलिजिबल एजुकेशनल लोन्स। सो ये था अभिनंदन स्कीम के बारे में। नेक्स्ट इज नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ असम, उनका नाम है कुमार संजय कृष्णा और वो चार्ज लेंगे 31st December 2019 से। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले अबाउट अ बुक। एक्चुअली ये एक नॉवल है और इस नॉवल का नाम है द एलिफेंट गर्ल बाय चित्तरंजन। ये बुक एक्चुअली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, फर्स्ट बुक टू प्रेजेंट अ फिक्शनलाइज्ड अकाउंट ऑफ अ फॉरगॉटन एंड लॉस्ट हेरिटेज ऑफ असम ग्वालपारा फॉरेस्ट ट्रैम्पवे। सो ग्वालपारा फॉरेस्ट ट्रैमवे के बारे में एक्चुअली है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है क्योंकि इसमें इस बुक में वो राइटर ट्राई करते हैं एक फिक्शनलाइज्ड अकाउंट प्रेजेंट करने के लिए और अनडिवाइडेड ग्वालपारा उसके बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट इसमें प्रेजेंट किया गया है और यही इस बुक की स्पेशलिटी है। नेक्स्ट इस वीक में बहुत ही न्यूज में था अबाउट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के इतना कुछ समझ में नहीं आया, मैं कंफ्यूज हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा दूसरे सोर्स से भी मैं जान लूँ। तो मुझे जो भी इंफॉर्मेशन थोड़े बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग लगे मैं वो शेयर करने जा रही हूँ। हो सकता है कुछ मिसिंग हो सो आप लोग भी ये थोड़ा सा मतलब सर्च करके देखना और अगर कुछ मतलब मिस हो गया हो या कुछ गलत हो तो काइंडली करेक्ट इट। सो व्हाट इज NPR? यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री जो होते हैं उनका ये रजिस्टर होगा और इस रजिस्टर को प्रिपेयर किया जाएगा एट डिफरेंट लेवल, एट लोकल लेवल जिसमें विलेज और सब टाउन्स इंक्लूड होंगे, एट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट एंड नेशनल लेवल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड द सिटीजनशिप रूल्स 2003। और ये जो यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री होंगे उनके लिए ये मैंडेटरी है कि NPR में रजिस्टर करें। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव होगा, इसकी NPR का ऑब्जेक्टिव होगा टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस फॉर एवरी यूजुअल रेसिडेंट इन द कंट्री।
अभी ये जो मैं यूजुअल रेसिडेंट वर्ड यूज कर रही हूँ, आइए समझते हैं कि उसका मीनिंग या उसका डेफिनेशन क्या बताया गया है. सो एनपीआर के पर्सपेक्टिव से यूजुअल पर्सन या यूजुअल रेसिडेंट को डिफाइन किया गया है कि वो लोग जो एक लोकल एरिया में पास्ट सिक्स मंथ्स या उससे ज्यादा टाइम लिमिट से रह रहे हैं, या जो लोग एक लोकल एरिया में नेक्स्ट 6 months या उससे ज्यादा टाइम रहने का इंटेंशन रखते हैं. सो अ यूजुअल रेसिडेंट इज डिफाइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ एनपीआर एज अ पर्सन हु हैज रेसिडेड इन अ लोकल एरिया फॉर द पास्ट 6 months और मोर, और अ पर्सन हु इंटेंड्स टू रेसिड इन दैट एरिया फॉर द नेक्स्ट 6 months और मोर. सो ये डेफिनेशन दिया गया है अबाउट द यूजुअल रेसिडेंट, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनपीआर. मैंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है इनसाइट्स आईएएस से, और वहीं पर मुझे एक पिक्चर मिला और मुझे लगा कि ये बहुत हेल्पफुल होगा, एक क्लियरिटी मिलेगा इस पिक्चर से. और इसमें हाँ, हेल्पिंग हैंड ही इसमें बोला गया है. सो एनपीआर विल सीक वेरिफिकेशन ऑफ बायोमेट्रिक्स फ्रॉम यूआईडीएआई. सो वेरिफिकेशन ऑफ बायोमेट्रिक्स जो कि हमारे बायोलॉजिकल डेटा होते हैं, उन सब का वेरिफिकेशन मतलब मांगेगी फ्रॉम UIDAI. और ये एक्सरसाइज कैरी आउट होगा सभी स्टेट्स में एक्सेप्ट असम. और जिनके पास आधार कार्ड होगा उन्हें ये बायोमेट्रिक्स एक्स्ट्रा करके देने की जरूरत नहीं है फॉर NPR. सो दोज होल्डिंग आधार नॉट रिक्वायर्ड टू गिव बायोमेट्रिक्स फॉर NPR. NPR में बायोमेट्रिक्स के डिटेल्स और डेमोग्राफिक डिटेल्स दोनों ही होंगे. सो बायोमेट्रिक वी अंडरस्टैंड की बायोलॉजिकल डेटा, और डेमोग्राफिक डिटेल्स मतलब पॉपुलेशन रिलेटेड कुछ, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर रिलेटेड या पॉपुलेशन रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन. और 15 डेमोग्राफिक पैरामीटर्स इंक्लूडेड इन NPR. सो कुछ पैरामीटर्स होते हैं डेमोग्राफिक से रिलेटेड, सो वैसे 15 डेमोग्राफिक पैरामीटर्स इंक्लूडेड होंगे इन NPR. और नेक्स्ट है, ये पूरा एक्सरसाइज जो कंडक्ट होगा वो बिटवीन 1st April 2020 and 30th September 2020. इस टाइम में ये कंडक्ट होने वाला है ऐसा बोला गया है. सो ये था कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट NPR. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही. लेट्स होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा. सब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. Till then, keep learning, keep growing.